चौथे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली और गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। आयोजित विजय संकल्प रैली में उमड़े आपार जनसैलाब का आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस और हुड्डा बाप बेटे पर जमकर कटाक्ष किया। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के साथ हमें सौतेला व्यवहार किया है। हुड्डा बाप बेटे ने हरियाणा को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में पिछले 10 साल में विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। वहीं सोनीपत से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए भारी संख्या में उपस्थित जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त किया। कुछ लोग हमारे भाई हैं, हम क्या करें भाइयों, भाइयों की लड़ाई तो महाभारत काल में भी हुई थी। एक तरफ गौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भाई तो वो थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया था, किसका साथ दिया था, पांडवों का। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पांडव न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, न्याय की तरफ थे, सत्य की तरफ थे, और हम अन्याय की तरफ थे, झूठ की तरफ थे, इसलिए न्याय की सत्य की विजय होनी चाहिए। और आज मेरे कान में ये बात पड़ी है, यहाँ के वोटों ने कहना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई, ये भी भाई है, वो भी भाई है, लेकिन ऊपर ये मोदी के भाई है और राहुल गांधी के भाई है, तो वोट ही देना तो बेहतर मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? ये बात जचती है कि नहीं जचती? ये बात जचती है कि नहीं? जिसको जचती है ये बात, वो जो आठ तर्क से अपनी बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जब से चुनाव घोषित हुए कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक खोखलाहट शुरू हो गई है। खोखलाहट क्यों शुरू हुई है? उनको पता है कि मोदी जी ने जो 10 साल काम कर दिए, कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी, उनके मन में। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यों और उनकी विकासवादी सोच से प्रभावित होकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वधू आशा शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। इसके अलावा प्रधान सामाजिक सरोकार मंच के सुरेंद्र लाठर, जिंद प्रभारी चंद्रपाल समेत दर्जन भर से अधिक लोग भाजपा में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ अपने जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने शुक्रवार को राय विधानसभा क्षेत्र के नाहरी, नाथुपुर, मैक्सिसाइड सेक्टर 35, खेड़ी मानाजत, प्रीतमपुरा, सफियाबाद, भूविका फॉर्म हाउस, बाजिदपुर और सब्जी मंडी समेत अन्य जगहों पर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।